पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए शो के लिए। किस तरह का कैरेक्टर होगा आपका इस शो का, कुछ अगर आप बता सकें। देखिए, मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट का किरदार निभाती हूँ इस शो में। इट्स अ क्राइम बेस्ड थ्रिलर शो एंड कैरेक्टर इज वेरी चैलेंजिंग। मैं अभी तक तो जस्टिस कर ही रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी, बट डू वॉच द शो एंड गिव थम्स अप। ओके, फॉरेंसिक जो टीम के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको काफ़ी ध्यान से काम करना होता है, मतलब आपने कितनी ट्रेनिंग ली इस कैरेक्टर के लिए? ऑनेस्टली मैंने कुछ भी ट्रेनिंग नहीं ली है, आई जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, बट रूल्स को मद्देनजर रखते हुए ऑब्वियसली। एंड बचपन से ही सी आई डी देख के पैदा हुई यार, मैं तुम्हें पता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, बट जो बात आई थिंक फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो भी मैंने देखा है या फिर समझा है इस कैरेक्टर को, के साथ ये एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। मी एज शिवांगी वर्मा, नॉट एज नाजनीन फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एज शिवांगी आई वॉज वेरी टू द पॉइंट ऑफ योर लाइफ एंड वो बात करनी है एकदम टू द पॉइंट। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हाँ डिवाइन कोड तो मैं नहीं पहनती हूँ घर पर, बट आई वॉज वेरी बेस्ट इन योर लाइफ एंड सो इज नाजनीन वेरी वॉट इज हैपनिंग एंड अपने हिसाब से एविडेंस जो मैं देख सकती हूँ जो ऑडियंस नहीं देख सकते। ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी है, बट ऑब्वियसली कंसिडरिंग द स्क्रीन प्ले एंड द डायलॉग्स। इस शो में कितना फॉरेंसिक का जो जो टीम है कितना इम्पोर्टेंट टेक्निक यूज़ किया गया, क्योंकि सीआईडी में तो ओल्ड टेक्निक यूज़ की जाती होती है, अभी तो न्यू टेक्निक आई है। आपने हाल ही में फॉरेंसिक फिल्म देखी होगी, उसके अंदर भी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे वो नए नए टेक्निक यूज करते हैं जो क्रिमिनल को फाइंड करने के लिए, तो ये शो में क्या है अलग? वो तो टोटली डिपेंड करता है हमारे राइटर पे और प्रोडक्शन हाउस पे कि एग्जैक्टली किस तरह से प्लान कर रहे हैं। ओल्ड टेक्निक से अगर काम बन रहा है या न्यू टेक्निक से बन रहा है तो टोटली नए है। अभी तो हाल ही में ही हमने स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली आई ट्राई टू सॉल्व इट एज पर लैब है जिसको मैं ओन करती हूँ। देयर आर लॉट ऑफ इक्विपमेंट एंड आई ट्राई टू सॉल्व एंड कलेक्ट एविडेंस। तो मैंने खुद ही देखी है फिल्म जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, बट कंसिडरिंग द कंट्रोल रूम ड्रामा आई थिंक ओल्ड हो या न्यू टेक्निक वो मतलब हमें केस आउट करना है। ओके, जब आपको ये ऑफर किया था व्हाट वाज योर रिएक्शन दैट टाइम, क्या ये करना है नहीं करना है ये शो? बिल्कुल करना है, नहीं का तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज एक्टर बने हैं बाई चॉइस और जो भी काम मिल रहा है उसको करना है। इनफैक्ट अगर आप मेरी जर्नी देखते हैं आई ऑलवेज बीन वेरी चैलेंजिंग, वेरी सेलेक्टिव और रोल्स सारे ही मेरे रोल्स चैलेंजिंग रहे हैं और ये वाला भी नहीं। सो आई लुकिंग फॉरवर्ड टू कंट्रोल मेरी फोर इयर्स टू कम। आखिर में अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने हमेशा से मुझे प्यार दिया है, यू सपोर्टेड मी एंड यू चीयर्ड फॉर मी, यू हैव सपोर्टेड मी नेचुरली, देन आपने मुझे प्यार दिया भी देन एक होल मीडिया नेटवर्क होल माई सोशल प्लेटफॉर्म डी एम मी यू लव यू, आप शो को देखिए प्यार कीजिए और मेरी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।